कम तेल मसाला में अगर रोहू मछली करी ऐसे बनाएंगे तो गर्मा गर्म राइस के साथ में बहुत अच्छा लगेगा। इसे बनाना एकदम आसान है, तो चलिए आज का ये रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो रोहू मछली ले लिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और मछलियों को अच्छे से मसाला के साथ में मिक्स करेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और मस्टर्ड ऑयल डाल के अगर मछलियों को आप मैरिनेट करके रखते हो तो मछलियों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा। अच्छी तरह हमने इसे मसाला के साथ में मिला लिया है। इसे ढक के 10-15 मिनट रखेंगे और इसमें से मुझे जितना चाहिए मैं ले लूँगी। तब तक एक मसाला की तैयारी करते हैं। इसमें हम डालेंगे 1/6 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी पानी डालेंगे और मसाला को अच्छे से पानी के साथ में मिलाएंगे। मसाला को मिला के हम साइड में रखेंगे। तब तक हम मछलियों को फ्राई कर लेते हैं। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद गैस को हम कम कर देंगे और इसमें सारे फिश डाल देंगे। फिश के एक साइड गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। एक साइड जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाए हम मछलियों को पलट देंगे और अपोजिट साइड भी अच्छे से फ्राई करेंगे। वैसे मछलियों को कम ज़्यादा फ्राई आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सारे मछलियाँ हमारा फ्राई हो गया है, इसे निकाल लेते हैं। बाकी बचे फिश को भी हमें इस तरह से फ्राई कर लेनी है और इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च, 1/4 चम्मच कलौंजी डालेंगे। कलौंजी पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। 1 इलायची डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 आलू को 4 टुकड़ों में काट लिया है। आलू डाल देंगे, साथ में हम परवल भी डालेंगे। तो यहाँ पर परवल को मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है और आप देख सकते हो परवल को मैंने पूरी तरह छीला नहीं। परवल को हमें 3 से 4 मिनट गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के फ्राई कर लेनी है। जैसे ही फ्राई हो जाए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कटी हुई हरी मिर्च, 1 कम तीखी वाली हरी मिर्च है, 1/2 टमाटर इस तरह से पतला स्लाइस में कट के डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। जो पाउडर मसाला को हमने भिगो के रखा था इसे डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मसाला को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि ना मसाला का पूरा पानी सूख जाए और मसाला से ऑयल बाहर निकल कर आए, तब तक हमें इसे भून लेना है। देखिए मसाला से ऑयल बाहर निकल कर आ गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ग्रेवी आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से पानी ऐड करें। पानी डालने के बाद इसको एक बार मिला लेंगे। गैस को अभी हम हाई कर देंगे और ग्रेवी में बॉयल आने देंगे। जैसे ही ग्रेवी में बॉयल आ जाए हम इसमें सारे फिश ऐड कर देंगे। इसमें हमने कोई भी कांदा लहसुन ऐड नहीं किया। एक बार इस तरह से इस मछली को बनाकर खा के देखिए। राइस के साथ में ये फिश करी बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी तरह हमने इसे मिला लिया है। गैस को लो मीडियम फ्लेम कर देंगे और इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे और देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो फिश करी हमारा बनके तैयार हो गया है। अच्छी फ्लेवर आने के लिए लास्ट में हम थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी भुनी हुई जीरा पाउडर, थोड़ी सी कटी हुई हरा धनिया पत्ता। इसे बस 1 मिनट के लिए मछलियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा गर्मा गर्म फिश करी बनके तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और चाहे तो आप इसी में ही थोड़ी देर ढक के रखें
या तो फिर तुरंत आप इसे सर्व भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।